चलिए आज सेंटर परीक्षा साइंस का प्रश्न डाउनलोड करते हैं और फिर इसका उत्तर को जानते हैं। तो हम साइंस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे डाउनलोड पर। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे हमारे सामने प्रश्न डाउनलोड होकर आना शुरू हो जाएगा। बस आपको कुछ इंतजार कर लेना है, कुछ ही पलों का। उससे पहले आप लोग जब तक क्वेश्चन आता है तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन उनको भी मिले और आपको भी मिले। इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। ये है आपका साइंस का प्रश्न पत्र जो कि बिल्कुल वायरल होकर आ चुका है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको आसानी से पढ़ना है, समझना है, फिर आपको परीक्षा में जाना है। इन सभी से ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में और यहाँ सेंटर परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, नीचे ऐसे स्क्रॉल करना है, जो भी प्रश्न है उसको ध्यान से आप पढ़िए। आपके परीक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न यही रहने वाला है। तो आपको बता दें, पहला प्रश्न आपके सामने इस तरह से प्रश्न आएंगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो हम में से सभी बच्चे को पता होगा कि प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है वो है दो नियम है, ठीक है। अगला सवाल आपसे अगर पूछा जा रहा है यहाँ पे कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है, तो मेरे भाई आपको याद रखना होगा प्रकाश की सबसे अधिक वेग जो होता है वो होता है शून्य या निर्वात में होता है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होता है। इसको आपको याद रखना है, मान को भी याद रखना है ताकि अगर मान पूछा जाए तो आप मान भी बता सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तीसरा नंबर सवाल है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? ये प्रिज्म से ही संभव है। तो राइट आंसर आपका सी होगा। याद रखिएगा, आप केवल सेंटर परीक्षा के व्यू से मत इसको पढ़िए, आप बोर्ड एग्जाम के व्यू से इसको पूरा तरह से क्लास कीजिए और सही से पढ़िए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको पास करना और बेहतर अंक लाना है, ना कि आपको सेंटर परीक्षा में केवल आपको यहाँ पे पास करना और कुछ भी नहीं करना है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है आपका। अगर आपके मन में कोई दिक्कत है या फिर कुछ है सवाल तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप जवाब भी दे सकते हैं। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरे होते हैं? प्रिज्म केवल पांच सतहों से घिरा होता है। कई बच्चे सात बोलते हैं लेकिन वो बिल्कुल रूप से गलत बोल रहे हैं। यहाँ पे इंद्रधनुष नहीं है जो सात बनेगा। छः नंबर सवाल है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो वो दर्पण है आपका उत्तल हो जाएगा, ठीक है। वो दर्पण क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा, अर्थात कन्वेक्स हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत विभव क्या है? विद्युत विभव एक एसआई मात्रक होता है, वोल्ट होता है, और यह एक अदिश राशि होते हैं। चलिए अगला सवाल, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में जो हम लोग यूज करते हैं वो दर्पण होता है उत्तल, ठीक है। उत्तल दर्पण की बात होता है, मिरर यहाँ पे दिया गया है तो आप घबराइएगा नहीं। मिरर का मतलब होता है आपका दर्पण होता है, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। 9 नंबर सवाल है, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है, ये हवा हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो यहाँ पे अभिलंब बनेगा। तो प्रवेश करते तो किरण क्या दिशा में मुड़ती है? तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, अर्थात अभिलंब के निकट की ओर आता है। तो बी ऑप्शन है, बिल्कुल बच्चे सही मारे हुए हैं और सही क्लिक करके यहाँ पे दिए हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है, जो कि टिक लगा हुआ है, आप पढ़ लेना है, टेस्ला हो जाएगा। अगला सवाल है, 11 समांतर क्रम में पाषण क्रम में जिन में जुड़े दो प्रतिरोधकों का प्रतिरोध R1 R2 है, इसका समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा आपका ये होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आपका है 12 नंबर सवाल है, आपसे पूछा गया है जूल पर कूलम क्या है? जीत, ये जूल पर कूलम जो है आपका 1 वोल्ट बराबर हो जाता है। 13 है, दूर दृष्टि दोष वाले नेत्र साफ साफ देख पाता है, दूर की ही वस्तु को देख पाता है, नजदीक की वस्तु उसको साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है। आपको देखिए बता देते हैं कि आप ये सभी के सभी प्रश्न पढ़ के जाइए, 100% सभी के सही सही जवाब है, एक भी सवाल आपको गलत देखने को नहीं मिलेगा। जो सवाल पे हमें डाउट होगा हम बोल देंगे भाई इस सवाल में डाउट है, आपको अगले वीडियो में या फिर मैं नेक्स्ट आपको कमेंट करके बताऊंगा। तो हमारे घर में जो प्रयुक्त होता है विद्युत धारा होता है उसमें 220 प्रत्यावर्ती धारा होता है, वही हर्ज के रूप में पूछा जाए तो 50 हर्ज होता है, ठीक है, इसको हर्ज में बदलने के बाद आ जाएगा। 15 नंबर सवाल है, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? अधिक हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, बिजली का सुचालक क्या है? देखिए बिजली का सुचालक है आपका ग्रेफाइट, यह एक अधातु है, फिर भी ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, क्योंकि ये इसमें करंट आपको मार देगा, जो आप कट पेंसिल लिखते हैं पेंसिल उसमें होता है ग्रेफाइट। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? क्षारीय विलयन जो भी होगा उसका 7 से अधिक होगा, तो यहाँ पर जो टिक लगाया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 7 उदासीन का होता है, ये 7 जिसका भी होता है वो विलयन उदासीन माना जाता है, जबकि 7 होता है वो अम्लीय होता है। चलिए 18 नंबर सवाल है, आपसे पूछा गया है निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय तो सबसे अलग यौगिक है, वो है आपका खड़िया, खड़िया है, सॉरी यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा।
प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी का सूत्र सेम होता है और ये सबसे अलग जो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, डी आंसर कंफर्म सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों बता दें, बेकिंग सोडा का मतलब होता है खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 हो जाता है, याद रखिएगा NaHCO3, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका कंफर्म सही है। चलिए 20 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, निम्नांकित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच तीन आबंध होता है? मान लीजिए एक कार्बन है, इसके बीच इस प्रकार के तीन आबंध होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं अल्काइन कहते हैं, अल्काइन, इस चीज के बारे में आपको पता होगा। और अल्काइन में क्या होता है? त्रिबंध होता है और इसमें कार्बनिक संख्या जितना होगा उसके दोगुना से दो कम होता है हाइड्रोजन, अर्थात सी होगा, तीन दुना छः, छः में से दो कम होगा चार बचेगा, तो यहाँ पे H2 है। चलिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे 21 नंबर, CnH2n+2 किसका है? ये एल्केन का फॉर्मूला, एल्केन का होता है, अल्काइन का फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया CnH2n-2 होता है, जबकि अल्किन का फॉर्मूला बात कर लें तो CnH2n होता है, जब एथाइल का बात कर लें या अल्काइल का तो CnH2n+1 होता है। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। 22 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है, बिल्कुल सही मारा हुआ है सी। चलिए अम्ल राज में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? 3:1 होता है, अर्थात HCl होता है 3, ई होता है 1 होता है, ठीक है। चलिए 24, हमारा शरीर pH मान के किस सीमा से सही तरीके से कार्य करता है? 7 से लेकर 7.8 तक, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 25 नंबर सवाल आपसे है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में अधातु होना चाहिए, तो वो है आपका ब्रोमीन है, ब्रोमीन, ठीक है, आपका सॉरी ए आंसर हो जाएगा, और ब्रोमीन का संकेत होता है Br, तो हो सकता है कहीं आपको Br पूछते परीक्षा में, तो भी घबराना नहीं है। एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है? एथेनल होता है, नल, नॉल और नल में अंतर होता है, इसलिए आपको नल वाला मारना है, ठीक है, ये वाला आपका इसमें हो जाएगा। चलिए 27, निम्नांकित में से कौन सी गैस धातुओं को वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? तो वो गैस कौन सा है? तो वो है गैस आपका है इथाइन है, मतलब एसिटिलीन है, आपको याद रखना होगा, ठीक है, एसिटिलीन हो जाएगा, कन्फर्म सही हो जाएगा एसिटिलीन। आपको 28 नंबर याद रखना है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने तिर्यक नियम दिया था? तो न्यूलैंड का तिर्यक नियम आप लोग पढ़े होंगे, न्यूलैंड का, ठीक है। 29 नंबर सवाल है, मेंडल की आवर्त सारणी में आवर्तक संख्या कितनी है? देखिए घबराइएगा नहीं, यहाँ मौसले का नहीं, जबकि मेंडल का है, मेंडल की आवर्त सारणी में 9 होता है, ठीक है, राइट आंसर सी हो गया। 30 नंबर सवाल है, कोयला तथा पेट्रोलियम है, ये क्या है? कोयला और पेट्रोलियम ये जीवाश्म ईंधन है, यानी ये जीवों के शरीर से बना है, जो भी जीवों के शरीर से बनते हैं उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं, सजीवों के शरीर से अर्थात कह सकते हैं जो भी पेड़ पौधा ये सब के से भी बनता है, तो वो सभी चीज। निम्नांकित में से प्राकृतिक संसाधन, इनमें से सभी बात है प्राकृतिक संसाधन, जल भी, वायु भी, मृदा भी, ये सभी प्राकृतिक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी, कन्फर्म सही रखिएगा। 32 है, कैल्शियम की परमाणु संख्या जो होता है वो 20 होता है, आपको इसको याद रखना होगा। 33 नंबर सवाल है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है? तो इनमें से सभी चीज आवश्यक, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश, ये सभी चीज आवश्यकता, तो राइट आंसर आपका डी हो गया। 34 है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है? अपघटक कौन है? 34 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है? देखिए अपघटक वही जीव होते हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं जीवों के शरीर को, जो भी चीज मर जाते हैं उसको, तो वो चीज हो गया आपका बैक्टीरिया, यानी जीवाणु और कवक होता है, ना कि शैवाल होता है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, जीवाणु को ही बैक्टीरिया कहा जाता है अंग्रेजी में। चलिए 35 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, एकलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है? देखिए एकलिंगी जिसमें एक जननांग होता है वो है आपका पपीता, राइट आंसर ए हो गया, पपाया। 36 है, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधों का चयन किया था? सभी को पता होगा मटर, साधारण मटर, ऑप्शन में साधारण मटर भी रहेगा तो साधारण मटर ही मारना है। अगला है आपका 37, जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? तो वह है जनन, अर्थात प्रजनन या रिप्रोडक्शन। चलिए अगला सवाल आपसे पूछा गया है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? हम लोग निषेचन कहते हैं, अर्थात हम लोग फर्टिलाइजेशन, बी ऑप्शन, सॉरी डी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। चलिए आपका 40 नंबर, 39, स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है? आधारीय भाग जो होता है वो आपका वर्तिका कहलाता है, यानी बीच, यानी आधार, सॉरी यहाँ पे देखिए डाउट में इसको हम छोड़ देते हैं। आपको 40 प्रश्न ही बनाना है, तो आपको 40 ही बनाना है। कौन सा रक्त समूह सभी समूह से रक्त ले सकता है? वो है ए बी, इसको कहा जाता है सर्वग्राही, यानी ये सभी से रक्त ले सकता है, लेकिन देगा तो केवल देगा ये ए बी को ही देगा। 41, मेंडल के प्रथम नियम कौन है? मेंडल का स्वतंत्र, यहाँ पृथक्करण नियम हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है।
चलिए मात्र आपको 40 प्रश्न ही बनाना है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसमें से 40 प्रश्न ही आपको बनाना है। निम्नांकित में से कौन पुनरोध भवन का एक उदाहरण है, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, पुनरोध भवन के लिए इनमें से कोई नहीं, स्पाइरो गायरा हो जाएगा लगभग, ठीक है। यहाँ पे बाकी आपको विशेष क्वेश्चन नहीं देखना है, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है तो आपको देख लेना है। अब हम बात करते हैं कैसे आपको डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे चले आ जाना है। गूगल पे आ जाएंगे आप, इस सभी प्रश्न को आप डाउनलोड कर सकते हैं, साइंस के अलावा अन्य विषय का भी। और आप क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट का नाम आप सर्च कर सकते हैं, माधव NCERT क्लासेस, आपके सामने हम इस सभी प्रश्न को डाउनलोड करेंगे, आप देखते रहिए। देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होकर आएगा, हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, तो हम लोग पहला वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, ऊपर में ये ग्रीन कलर का जो है लोगो उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम लोग को कहाँ पे जाना होगा, तो मॉडल पेपर के अंतर्गत जाना होगा, या फिर आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे, लेकिन आपको सबसे बेहतर होगा कि आप मॉडल पेपर के अंदर जाएंगे तो आपको सभी विषय का प्रश्न मिल जाएगा। तो मॉडल पेपर पर क्लिक कर देना है, जैसे मॉडल पेपर पर आप क्लिक करेंगे, अब आपके सामने ऐसा ऑप्शन खुलकर आ चुका है जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ साइंस आंसर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से आप क्वेश्चन लिंक आप यहां पर है सोशल साइंस आप कर सकते हैं, यहां से आप हिंदी कर सकते हैं, तो सभी के सभी विषय यहां पर दिया जा चुका है, जो नहीं दिया वो यहां पे दिया जा रहा है, तो आप लोग आकर के बार बार यहां चेक कीजिए। चलिए हम साइंस वाले पे क्लिक कर लेंगे, साइंस वाले पे जैसे क्लिक करते हैं हमारे सामने ये प्रश्न खुलकर आ चुका है, PDF के रूप में आपको डाउनलोड करना है तो नीचे आ जाना है, नीचे आप जो भी विषय आपको डाउनलोड करना है उस विषय पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सिंपली डाउनलोड हो जाएगा, 100% आपको कह सकते हैं ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे अगर ऑफिशियल आप क्वेश्चन डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर आंसर के दिया जा चुका है तो आप आंसर के देख सकते हैं, बाकी और फास्ट चाहते हैं सबसे जल्दी पहले चाहते हैं सब्जेक्टिव का भी उत्तर, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए जहाँ से आपको सब कुछ दिया जाएगा। टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं, क्लास 10th का जो भी है बच्चे वो टेस्ट भी दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी काम था, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।